तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी ऐप के नए अपडेट के बारे में। नए अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए और क्यों ये अपडेट रोल आउट किया गया, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। जैसा कि ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ गैलरी पे। गैलरी पे जाने के बाद यहाँ जाएंगे आप अबाउट गैलरी पे, तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। जैसे ही आप इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे, वो आपको ले जाएगा आपके गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया। जैसा कि आप यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया है। 12 अप्रैल को रोल आउट किया गया है, जिसका साइज है 33.77 MB का, एंड देन वर्जन नंबर इज 14.1.04.2। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताता हूँ कि ये जो अपडेट्स होते हैं, पहले फ्लैगशिप मोबाइल्स में आते हैं, फिर नॉर्मल्स मोबाइल्स में आते हैं, मतलब मिड रेंज वाले, और सबसे लास्ट में आते हैं लोएस्ट रेंज वाले पे। तो अभी रिसेंटली मेरे को 2-3 दिन पहले ही अपडेट आया है। अब इस अपडेट में अभी तो वैसे कोई नया चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ बग्स फिक्सड किए गए, बट इसको आपको जरूर अपडेट करना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ बग्स होंगे आपको गैलरी से रिलेटेड, लाइक गैलरी अगर आप खोलते हैं तो कुछ हैंगिंग हो रहा है, या गैलरी के कुछ फंक्शंस सही वर्क नहीं कर रहे हैं, या जो भी चीज़ आपको गैलरी से रिलेटेड कुछ भी बग्स होंगे, ये सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको अपडेट करना चाहिए। इसके साथ साथ हो सकता है आपको वहाँ पर फोटो एडिटर का भी अपडेट मिल रहा है। गैलरी में जब फोटो एडिट करते हैं तो उसका भी आपको अपडेट मिलेगा, तो आपको उसको भी अपडेट करना चाहिए। इस अपडेट में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो कि बग्स है वो फिक्स आउट किए गए हैं। तो इस अपडेट में दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ओपन हो चुका है। तो इस अपडेट में नॉर्मली क्या किया गया है, जैसा कि आपने इससे पहले वाले वर्जन पे अपडेट किया होगा, तो उसमें जो भी कुछ बग्स होंगे उसको यहाँ पर फिक्स आउट किया गया है। इसकी सर्विसेज को, या बोल सकते हैं इसकी चलने की स्पीड को इन्हांस किया गया है, साथ में सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट आता है तो उसमें सिक्योरिटी को भी अपडेट किया जाता है। तो ओवरऑल इसको आपको अपडेट करना चाहिए। अब यहाँ पर आप लाइक जाए यहाँ पर एडिटिंग में, तो अगर आपको एडिटिंग में कुछ नए फीचर्स आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो वहां पर आपको एड ऑन हो पाएंगे। लाइक जाए एडिट पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नए फीचर्स अगर आपके पास पहले नहीं होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। लाइक जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट इरेजर आ चुका है, स्टाइल वाला ऑप्शन आ चुका है जो कि पहले नहीं आता था, इसके लिए मना चुका हूँ, मतलब अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया था। स्पोर्ट्स कलर वाला फीचर आया था, ताकि आपको जो सा भी कलर हाईलाइट करना है वो हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन मिलता है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, लाइक मुझे ये इरेज करना है, तो मैंने उसको यहाँ पर क्लिक कर दिया और वो वहाँ से इरेज हो जाएगा, और आपको यहाँ पर इरेज पर क्लिक कर देना है तो वो वहाँ से इरेज हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन भी आपको इसमें सैमसंग गैलरी में दिया गया है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इरेज हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टूल था पहले, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बैक करके तो आप देखेंगे स्टूल था, और ये अब यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो ये वाला फीचर भी बहुत शानदार यहाँ पर काम करता है। साथ में आप चाहें तो इसमें अगर आपको कोई इफेक्ट लेस करना हो, तो आपको जो शेडोज होते हैं उनको रिमूव करना हो तो शेडो कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन हो रिफ्लेक्शन को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। और ओवरऑल ये जो इसकी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी यहाँ पर इम्प्रूव हो गई है, जो इसकी चलने की स्पीड है वो यहाँ पर अच्छी हो गई अगर आप एडिट करेंगे तो। यहाँ पर ये बड़ी शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर आप देखूँ तो आप देख सकते हैं इसकी चलने की स्पीड में यहाँ पर फर्क आउट मिला है। तो आपको इसको अपडेट करना चाहिए। अपडेट्स में आपके जो भी कुछ छोटे मोटे बग्स होंगे वो यहाँ पर क्लियर कर दिए गए होंगे, तो उसको आपको अपडेट करना चाहिए। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको अच्छा मेरी कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।